बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जी हां, बागेश्वर धाम सरकार का जो मंदिर है छतरपुर में गड़ा स्थित जो आश्रम है वहां पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, आशीर्वाद भी लिया गृह मंत्री ने। अब बाबा का आशीर्वाद लिया गृह मंत्री ने, आप कहेंगे चर्चा की बात है। चर्चा की बात इसलिए है कि इन दिनों मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र खुद बने हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, और समय समय पर खासतौर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि कभी उनकी कोई टिप्पणी चर्चा में आ जाती है, कभी बाबा की कथा के दौरान बाबा के प्रवचन में निकली हुई बातें जो हैं वो चर्चा का केंद्र बन जाती हैं, और बाबा का दरबार जहां पहुंचते हैं मध्य प्रदेश की सियासत करने वाले कई बड़े चेहरे पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार में। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्यों गए थे ये मैं आपको बता दूं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दरअसल दतिया में समय समय पर करते हैं बड़ा धार्मिक आयोजन, तो ऐसा ही एक आयोजन है दतिया में 1 से 7 अगस्त तक, और उसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने गए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री पहुंचे, लेकिन अब बाबा, चूंकि ये है कि बाबा, जैसे मैंने आपको बताया बुलडोजर वाला बयान उनका चर्चा में रहा था, बाबा चर्चा में रहते हैं, आध्यात्मिक कथा भी सुनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कहते हैं कि वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा बुलडोजर चलना चाहिए, और भी तमाम चीज़ें जो हैं जो सियासत से जुड़ जाती हैं बाबा की कही हुई चीज़ें। तो बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्हें महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार कहा जाता है, वो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, और सोशल मीडिया पर जैसे मैंने कहा कई फॉलोअर हैं, कई तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कहा जाता है। लेकिन हाँ, इतने कम समय में जो कहा जाता है युवा हैं जिस तरीके से ये संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये चर्चा में ज़रूर आ गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, मध्य प्रदेश के चाहे वो सियासत के क्षेत्र के बड़े चेहरे हों या और भी तमाम बड़े चेहरे हों, संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुँचते हैं। अब मैंने ये कहा कि चर्चा में इसलिए रहते हैं, कुछ अलग सा अंदाज इनका रहता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का, जिस वजह से बात जो है वो चर्चा में आ जाती है और इनकी बात दूर तक होती है। तो ऐसे एक बार फिर चर्चा हुई क्योंकि गृह मंत्री पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में। आप देखते रहें एमपी तक।